हम कोई अग्रेसिव मोड में नहीं है, हमारा मिजाज बदला नहीं, ना हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो इससे पहले हमने नहीं की। हम मौजूदा सूरत हाल पे रोशनी डाल रहे हैं और अपने साथियों से सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी सतह पे लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में और इंतज़ामिया के बारे में। लेकिन हमसे कोई ऐसी बात नहीं हो रही है जो या तो हमने इससे पहले ना की हो, या ये बात हमने जम्मू में या दिल्ली में नहीं की हो। हमारी एक इस पार्टी की एक बड़ी खासियत है, हम अलग अलग जगहों में अलग अलग जबानों में बात नहीं करते। हम वही बात कश्मीर में करते हैं, जो हम जम्मू में करते हैं, जो हम दिल्ली में करते हैं। उमर साहब, जेवन अटैक और मौजूदा हालात को आप कैसे देख रहे हैं? किस चीज को? जेवन अटैक मौजूदा हालात की तरफ एक और इशारा है। हकीकत यह है कि सूरत हाल पे पाबंदी लाने में या लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में मौजूदा इंतजामिया पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप जहां पे भी देखें तो दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं। जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से खाली किया था, आज दोबारा आपको वहां मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। मुझे याद है मेरे अपने दौरे हुकूमत में हम इतना कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे थे सिक्योरिटी के लिहाज से कि हमने जगह जगह बंकर हटाए। लेकिन आज हकीकत यह है कि जहां से हमने बंकर हटाए वहां न सिर्फ नए बंकर बने हैं लेकिन उसके अलावा और बंकर बने। हम अपने आप को इतना मतलब कंफर्टेबल समझ रहे थे कि हमने फोर्सेस की तादाद कम की, आज उन फोर्सेस की तादाद बढ़ाई जा रही है और जहां हमने कम्युनिटी हॉल और शादी के हॉल बनाए उनको वहां बसाया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि आप जिस भी तरह देखें, चाहे वो डेवलपमेंट के लिहाज से हो, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो, मौजूदा इंतजामिया जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। تار لگتھ تار اکلی رستے